तो स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। दोस्तों देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने एच सी वर्मा की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं एच सी वर्मा से कैपेसिटर टॉपिक से एक न्यूमेरिकल लिया हूँ। ये टॉपिक सॉल्व करने में प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि समझ में ये नहीं आता कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच जो ये स्लैब भरा हुआ है इंक्लाइंड, ये सीरीज में डिवाइड करना है या पैरेलल में, यानी सीरीज पैरेलल में ना होकर ये ना सीरीज में है ना पैरेलल में, और इसलिए इसको लगाते समय कैलकुलेशन टफ हो जाते हैं, या कह लीजिए कि अप्रोच समझ में नहीं आती। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि मैं यहाँ भी यूज़ करूँगा, वो ये था कि अगर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच जो स्लैब भरा जा रहा है वो सीरीज में है, यानी स्लैब ऐसा डिवाइड कर रहा है कैपेसिटर की प्लेटों को कि सिर्फ गैप डिवाइड हो रहा है, गैप डिवाइड हो रहा है, एरिया डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो सीरीज में माने जाते हैं। और अगर पैरेलल में है तो उसके लिए एरिया डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कैपेसिटर इंक्लाइन ऐसे भरा हुआ है, यानी ये पूरा मीडियम इतना इस ट्राइंगल का वो ऐसे भरा हुआ है और इस ट्राइंगल में दूसरा मीडियम है। तो अगर आप ऐसे जाते हैं तो कुछ दूरी में K1 भी है तो K2 भी है, यानी प्रॉब्लम यही है कि समझ में ये नहीं आ रहा कि सीरीज में माने कैपेसिटर को अलग अलग कैपेसिटर का जो सम है या पैरेलल में। तो उसका आंसर ये है कि ना सीरीज में है ना पैरेलल में। तो आप करेंगे क्या, आप इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, यानी आप यहाँ पर यहाँ से x डिस्टेंस पे जाएंगे, आपको p और q के बीच कैपेसिटेंस बताना है, K1 K2 दो मीडियम है, प्लेट सेपरेशन इसका ये स्क्वायर प्लेट है ऐसे, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर प्लेट है ऐसे ए ए ए ए, और यहाँ पर भी ए ए ए ऐसे पूरे ए करके साइड है, और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है डी, यानी ये डिस्टेंस है डी, और आपको इसके दो पॉइंट पी और क्यू के बीच नेट कैपेसिटेंस बताना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जनरल डिस्टेंस एक्स पे जाएंगे और यहाँ से एक्स डिस्टेंस जाकर आप एक विड्थ कट करेंगे, स्मॉल विड्थ, और ये विड्थ होगी डी एक्स। तो इस डी एक्स को जब आप कट करेंगे तो आप ये मान सकते हैं कि अब ये यहाँ पर दो कैपेसिटर बन गया, ध्यान दीजिए दो कैपेसिटर बन गया, ये है कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है मान लीजिए C1, और ये कैपेसिटर है यहाँ से यहाँ तक, इसका कैपेसिटेंस है C2। अगर आप ध्यान से देखिए तो अब ये दोनों कैपेसिटर इस तरह भरे हुए हैं कि ये एरिया डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एरिया जो होगा ये वाला वो ये भी होगा, यानी एरिया एक तरह से सेम होगा यहाँ पर, और जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है ये वाली और ये वाली, ये पूरी डिस्टेंस डी को डिवाइड कर रही है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मान लीजिए वाई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी ये डी है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी डी माइनस वाई। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसका कैपेसिटेंस मैं मान रहा हूँ इस वाले का C1, और इसका कैपेसिटेंस मान रहा हूँ C2। तो अब आपको ये समझना है कि ये C1 C2 सीरीज में है या पैरेलल में। इस पूरे न्यूमेरिकल का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि आप ये समझ जाओ कि ये दोनों कैपेसिटर C1 और C2 आपस में कैसे है, सीरीज में या पैरेलल में। तो आप ध्यान दीजिए, ये इस प्लेट के बीच की डिस्टेंस वाई, यानी पूरी डिस्टेंस डी को दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है, एक वाई में और एक डी माइनस वाई में, और जब भी डिस्टेंस डिवाइड होती है तो सीरीज में माना जाता है, यानी ये C1 और ये C2 सीरीज में है। तो अगर इस पूरे का कॉम्बिनेशन का मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखूं, 1/DC = 1/C1 + 1/C2, तो C1 होगा 1/C1 की वैल्यू होगी ε0 × K1, इसका डायरेक्टली कांस्टेंट K1 है, तो K1 ε0 इसका एरिया। अब ध्यान दीजिए, ये वाली जो विड्थ है वो dx है, और ये जो स्क्वायर प्लेट है इसकी साइड a है, तो यहाँ से a साइड और उसकी जो विड्थ है वो dx, तो इस वाले स्ट्रिप का एरिया होगा a dx, तो K1 ε0 a / इसकी जो डिस्टेंस है, यानी डी माइनस वाई जो यहाँ होता है वो यहाँ आ जाएगा, यानी मैंने लिखा है K ε0 a / d यहाँ आ गया। इसी तरह इसके लिए होगा 1/K2 ε0, इसका भी एरिया वही होगा, a dx a (dx) और अपॉन इसकी जो विड्थ है वो वाई, यहाँ वाई हो जाएगा। तो ये 1/C1 जब आप इसको सॉल्व करेंगे DC तो ये आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 1/ε0 a (dx), ये कॉमन है इसमें, तो यहाँ बच रहा है d माइनस वाई अपॉन k1 प्लस वहाँ पर
वाई अपॉन के टू। तो ये जो वैल्यू मैंने लिखी इसमें एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, दो वेरिएबल आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इस वेरिएबल को जो कि दो है इनको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला एंगल मान लेंगे थीटा, यानी हम लोग एक्स वाई में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे टेन थीटा आएगा वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे टेन थीटा आएगा वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे टेन थीटा आएगा डी अपॉन ए। आप ये बात समझिएगा कि ये टेन थीटा होगा यहाँ पर वाई अपॉन एक्स, यहाँ पर होगा डी अपॉन ए। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी अपॉन ए। तो अब आपको अगर y की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ x, तो जब आप यहाँ पुट करेंगे d माइनस वाई, तो आप d माइनस वाई भी सॉल्व कर लीजिए। d माइनस वाई आएगा d माइनस वाई की वैल्यू x इंटू डी अपॉन ए, ये हो गया ए डी माइनस एक्स डी अपॉन ए। तो अब आप d माइनस वाई की जो है ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो वन बाई डी सी आपको आंसर मिलेगा 1 by dc is equal to 1 upon epsilon naught into a into dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा d minus y की जगह ये वैल्यू लिखिए, तो ये हो जाएगा a d minus dx upon k1 plus y की वैल्यू आपको मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से x d upon a, ये y की वैल्यू हो गई अपॉन k2। तो यहाँ हो गया a k2, ध्यान दीजिए। और यहाँ देखिए ए डी माइनस एक्स डी अपॉन ए, तो ए डी माइनस एक्स डी या डी एक्स एक ही बात है, एक्स डी अपॉन ए, यहाँ a भी होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, a। तो ये हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर बच रहा है ए डी माइनस एक्स डी, ए डी माइनस एक्स d अपॉन k1 प्लस यहां से आपको मिल रहा है d अपॉन a, तो कॉमन हो गया a k2, यानी x d अपॉन k2, a हट गया यहां से। अब देखिए ये a d माइनस x d है, यहां k1 k2 इसका एलसीएम आएगा, तो ये होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर dx। यहां पर जो टर्म बच रहा है वो है एलसीएम हुआ k1 k2, और यहाँ पर बच रहा है k2 ad माइनस k2 xd प्लस k1 xd, ठीक है, इतना टर्म बच रहा है। इन दोनों में x कॉमन कर लीजिए और ये k1 k2 इसके साथ लिख लीजिए, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर dx, और यहाँ पर k1 k2 भी लिख लीजिए इंटू k1 k2, क्योंकि ये कांस्टेंट है, x से फ्री है। यहाँ बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, तो एक्स डी मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि इन दोनों में है। यहाँ बचेगा k1 माइनस k2, और फिर ये बचेगा k2 ad अपॉन, ये तो पूरा आपने लिख ही दिया था बाहर, तो ये टर्म आपका बचा 1 बाई डी सी की वैल्यू, ये आई। यानी मैंने ये माना कि इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस आपस में सीरीज में है, और सीरीज का फॉर्मूला लगाकर मैंने 1 बाई डी सी सॉल्व कर लिया। तो आप यहाँ से डी सी भी सॉल्व कर सकते हैं, डी सी विल बी इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 बाई ये टर्म यहाँ आएगा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के वन के टू, ये टर्म आपने यहाँ लिख लिया, और डी एक्स इसके साथ चला जाएगा, और ध्यान दीजिए ये अपॉन वन, और ये पूरा एक साथ होगा, यानी यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा इंटू एक्स डी के वन माइनस के टू एक्स डी के वन माइनस के टू प्लस ए के टू ए डी, और ये होगा अपॉन में, अपॉन में क्यों होगा आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो अपॉन में आ जाएगा, और ऊपर डी एक्स होगा। तो ये जो आंसर है अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऐसी जितनी स्ट्रिप आप कट करेंगे, ध्यान दीजिए जैसे पहली स्ट्रिप है, ये दूसरी स्ट्रिप है, फिर ये तीसरी स्ट्रिप है, चौथी है, पाँचवीं है, तो ये जो स्ट्रिप है सब आपस में, ये आपस में पैरेलल में है, क्यों है आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एरिया डिवाइड कर रही है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये दिया था पिछले वीडियो में कि अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो कैपेसिटर पैरेलल में माने जाएंगे, और अगर गैप डिवाइड हो रहा है तो सीरीज में। तो अब आपको केवल एक ही स्टेप बचा है, आपको ये जो टर्म आया
वन अपॉन ये और इनटू ये टर्म, ये अपॉन में ध्यान रखिएगा जो मैंने लिखा अभी, तो ये अपॉन में है तो इसको इंटीग्रेट करना है आपको, सिर्फ एक स्टेप बचा हुआ है अब। तो आपका जो नेट आंसर होगा, यहाँ से डी सी ये वन अपॉन आया था तो यहाँ से डी सी का इंटीग्रेशन लिखिए, तो आपका आंसर आएगा सी नेट इज इक्वल टू ये टर्म तो न्यूमरेटर में आ गया। यहाँ देखिए यहाँ पर भी वन बाई डी सी था, डी सी आपने लिखा, ये न्यूमरेटर में आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के वन के टू, तो ये तो आपके टर्म हो गए न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में है। और एक्स की लिमिट देखिए, एक्स यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर ए है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी जीरो से ए, यानी लिमिट जीरो से ए और डी एक्स अपॉन ये टर्म, यानी एक्स डी के वन माइनस के टू और प्लस के टू ए डी, इसका इंटीग्रेशन, और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये टर्म जो है ये पूरा ऐसे ही रहेगा, ये वाला के वन के टू, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन वन अपॉन एक्स का एल एन एक्स, यानी एल एन एक्स टी के वन माइनस के टू और प्लस के टू ए डी। लेकिन ध्यान दीजिए इसका जो कोफिशेंट है x का, उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो x का कोफिशेंट है यहाँ पर डी के वन माइनस के टू, तो इससे आप डिवाइड कर लीजिए डी के वन माइनस के टू, इससे आपने डिवाइड कर लिया। और अब इसमें x की लिमिट रख दीजिए, तो जब आप इसमें x की लिमिट रखेंगे जीरो से a, जब आप यहाँ पर a लिखेंगे x की जगह पर, तो आपका आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के वन के टू अपॉन डी के वन माइनस के टू। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पे a लिखेंगे तो ए डी के वन बचेगा और ए डी के टू यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये टर्म हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एल एन ए डी के वन, फिर आप माइनस साइन लिखेंगे, और जब आप लोअर लिमिट लिखेंगे x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे जीरो, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, तो बचेगा ए डू ए डी के टू, तो माइनस एल एन ए डी के टू, और एल एन ए माइनस एल एन बी का फॉर्मूला होता है एल एन ए अपॉन बी। और अगले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा एल एन, इसको इससे डिवाइड कीजिए तो ए डी कैंसिल हो जाएगा और के वन बाई के टू, तो एल एन के वन बाई के टू और एप्स एल एन नॉट ए स्क्वायर के वन के टू अपॉन डी के वन माइनस के टू, तो ये आपका सी नेट आंसर हो जाएगा। तो इसका लॉजिक मैंने ये लगाया कि ये जो विड्थ मैंने कट की थी, ये दोनों आपस में सीरीज में है और ये पूरा आपस में सब एक दूसरे से पैरेलल में है, और आपका ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैंने सीरीज स्टार्ट की है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग सारे कैपेसिटर के सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।